डियर फ्रेंड्स, चलो कुछ और एग्जांपल्स की सीएसआईआर नेट नवंबर के कुछ एग्जांपल की डिस्कशन कर लेते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, क्या आंसर आता है देख लेते हैं। चलो, ये एमएलसीटी एलएमसीटी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ देख के आंसर दिखाना था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको ये पता होना चाहिए एमएलसीटी कौन से लिगेंड देते हैं, एलएमसीटी कौन से लिगेंड देते हैं, और एलएमसीटी एमएलसीटी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। जो पाई एसिड लिगेंड होते हैं या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, यानी कि उसके पास मेटल से आने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, वो पाई एसिड लिगेंड के पास, जिसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल होगी या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी, वो सारे के सारे मेटल से आ रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, यहाँ ऐसी बात थी, मान लीजिए मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो वो क्या करेगा, लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन, यस, लिगेंड ने सिग्मा बॉन्ड तो बनाया होगा, लिगेंड ने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, ये पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड कौन बना सकता है, कौन सा लिगेंड पाई बॉन्ड बना सकता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड या तो पाई एसिड लिगेंड बना सकते हैं। इन शॉर्ट, पाई एसिड लिगेंड होंगे, वो क्या देंगे, मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कहां बचे, मेटल से लिगेंड की तरफ, तो वो बोलते हैं एमएलसीटी, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। लेकिन कौन से लिगेंड एलएमसीटी देंगे, कौन से लिगेंड एलएमसीटी देंगे, तो क्या भैया, जो लिगेंड के पास पाई स्टार ऑर्बिटल या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, या तो मेटल से आ रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे लिगेंड पाई बॉन्ड बनाएंगे, और वो पाई डोनर, इन शॉर्ट जो लिगेंड, यहां से इन्होंने सिग्मा बॉन्ड तो बनाया, तो सभी लिगेंड सिग्मा डोनर तो है ही, ये तो आपको पता है, सभी लिगेंड सिग्मा डोनर है ही, लेकिन या तो पाई एसिड लिगेंड, या तो पाई डोनर लिगेंड हो सकता है, या तो पाई एक्सेप्टर, तो जो पाई एसिड लिगेंड है वो पाई एक्सेप्टर है, लेकिन ऐसे लिगेंड कि जिसके पास लोन पेयर, चलो ये लिगेंड ने सिग्मा बॉन्ड तो बना दिया, लेकिन अभी भी उसके पास लोन पेयर बची है, तो वो मेटल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, मेटल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये वाला लिगेंड जो है, इन्होंने सिग्मा बॉन्ड से भी दिया है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन दिया है, इसका मतलब इसे सिग्मा डोनर तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन इन्होंने पाई बॉन्ड से भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी है, तो इसे पाई डोनर भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं भैया, पाई डोनर लिगेंड भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट, ऐसे लिगेंड जो पाई डोनर लिगेंड है वो एलएमसीटी, यहां पे क्या हुआ, लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है, लिगेंड से मेटल की तरफ, इसका मतलब एलएमसीटी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो कौन से लिगेंड लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर देंगे, जो पाई एसिड नहीं होंगे वो, चलो देख लेते हैं। यहां पे ये दोनों में, दोनों पाई एसिड पेयर आपको दी थी, दोनों के दोनों आपको पूछा था कि दोनों एलएमसीटी देने चाहिए, तो यहां तो भैया बाइपिरिडिन है, बाइपिरिडिन कैसा होगा, बाइपिरिडिन मैंने आपको लिगेंड के लिस्ट में लिखवाया है कि बाइपिरिडिन होगा, वो ऐसे बाइपिरिडिन, इन शॉर्ट इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है, पिरिडिन के पास पाई बॉन्ड है कि नहीं है, देखो इधर है पाई बॉन्ड है, तो उसके पास पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल होगी, उसके पास क्या होगा, पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल होगी, इसका मतलब ये जो बाइपिरिडिन है वो पाई एसिड लिगेंड है, और पाई एसिड लिगेंड होता है वो एमएलसीटी देता है, एलएमसीटी शो नहीं करता है, एमएलसीटी यानी कि मेटल से आ रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन लिगेंड खुद पाई बॉन्ड से डोनेट नहीं करेगा, इसका मतलब ये बाइपिरिडिन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें ये है क्लोरीन है, वो एलएमसीटी देगा, लेकिन यहाँ एमएलसीटी एलएमसीटी का कॉम्बिनेशन है, वो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, ये भी बाइपिरिडिन वाला है, इसका मतलब ये भी एमएलसीटी देगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी मुझे याद नहीं है ऑप्शन, लेकिन ये याद रखो हेलोजन है, सही ऑप्शन में बता देता हूँ आंसर, हेलोजन है, इसका मतलब हेलोजन एलएमसीटी देगा, हेलोजन क्या देगा,
LM लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और यह भी क्या देता है, LMCT देता है। मैंने इसके सारे के सारे आपको लिस्ट लिखवाए हैं कि कौन से लिगेंड LMCT देते हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स के लिस्ट मैंने आपको लिखवाए थे। LMCT का बहुत ही डीपली हमने एनालिसिस, या तो आपकी बुक में आपने लिखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी LMCT और MLCT अच्छे से समझाई हुई है कि कैसे LMCT होती है, दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी मेटल की होनी चाहिए, कौन से लिगेंड LMCT शो करते हैं, कौन से लिगेंड कब MLCT शो करेंगे, ऑक्सीडेशन मेटल की क्या डिप इस पे इफेक्ट करती है, सारी की सारी डिटेल हमने डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे एफी हेलोजन जो है वो LMCT देगा, और TC वो मैंने 9 ऐसे कॉम्प्लेक्स लिखवाए थे, कहाँ से कहाँ लेके, वेनेडियम से क्रोमियम और टिटेनियम के सारे कॉम्प्लेक्स मैंने आपको लिखवाए थे कि जो LMCT शो करते हैं। तो आपका सही आंसर आएगा बी, Fe Br4-2 और TCO4-, ये आपका सही, जब ये दोनों LMCT शो करेंगे वही आपका सही आंसर है। क्लियर। तो ये LMCT का आंसर था, चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से दोनों क्वेश्चन इजी पूछ लिए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से इजी पूछ लिए थे। चलो क्या था, सिर्फ पूछा था केमिस ऑप्शन के बारे में, केमिस ऑप्शन कौन शो करता है। तो मैंने आपको केमिस ऑप्शन के सारे पॉइंट लिखवाए हैं, फिजिक्स ऑप्शन के सारे पॉइंट लिखवाए हैं। केमिस ऑप्शन के लिए सही आंसर क्या था, तो आपको एक, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस है भैया, क्या दो ऑप्शन याद है मुझे, तो दोनों के यहाँ लिखे है, सही ऑप्शन पता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, नहीं है। केमिस ऑप्शन रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैंने फिजिक्स ऑप्शन में भी आपको कहा था, क्या था कि फिजिक्स ऑप्शन है, मान लीजिए कोई गैस है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसका मान लीजिए ये फिजिक्स ऑप्शन है, तो जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिर से डिसऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब फिजिक्स ऑप्शन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन केमिस ऑप्शन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब यहाँ इन्होंने कहा है आपको करेक्ट फाइंड करना है ना, तो ये तो रॉन्ग है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। दूसरी बात, जो यहाँ पे H2 गैस है, या तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल ले लीजिए, यहाँ पे कोई सरफेस है, यदि केमिस ऑप्शन से एब्जॉर्प्शन होना है ये सरफेस पे, H2 गैस को यदि निकल PTPD आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पे यदि एब्जॉर्प्शन होना है तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा। इन शॉर्ट वहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन में केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है, वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, केमिस ऑप्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या था कि केमिस ऑप्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनेगा तभी केमिस ऑप्शन होगा। तो आपका सही आंसर था ये, केमिस ऑप्शन केस कब होगा, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब। क्लियर। तो ये क्वेश्चन चेक कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना था भैया, कौन सा फॉर्मूला, मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, KP इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1-थीटा। यदि ये एक फॉर्मूला याद होगा ना, ये एक फॉर्मूला आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो इधर मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। इन्होंने थीटा की वैल्यू दे दी हुई है, यस और नो, 0.5 पास्कल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 पास्कल। तो यहां पे मैं रख देता हूं के, अभी मैं पहले के की वैल्यू नहीं फाइंड कर लेता हूं, के यहां पे 1 रख दीजिए, थीटा कितना है 0.5, या 1-0.5 कर दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा, 0.5/0.5 आंसर आ गया 1, यानी कि K का आंसर मुझे कितना मिल गया, 1। तो अब K के हिसाब से थीटा फाइंड कर लीजिए, K का आंसर है 1 मिल गया, पास्कल आपको दिया हुआ है 3, उसके हिसाब से थीटा फाइंड करना है। तो यही फॉर्मूला है ना, पहले मैं थीटा का आपको क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला है ना उसमें मॉडिफिकेशन करना है। मैं क्या करता हूँ, ये जो 1-थीटा है ना उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो KP 1-थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। सिर्फ मॉडिफिकेशन करना था, कुछ नहीं करना था, सिंपल सी बात थी। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो KP-KP थीटा इज इक्वल टू थीटा, यस और नो, यस।
अब दोनों थीटा वाली टर्म को एक तरफ रखता हूं ना, ये जो थीटा वाली टर्म है इसको एक तरफ कर दो, तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा ऑलरेडी था ना राइट हैंड साइड पे, ये नेगेटिव है राइट हैंड साइड पे ले आओगे पॉजिटिव हो जाएगा, केपी थीटा हो गया। क्लियर? दोनों में से मैंने थीटा को कॉमन ले लिया, दोनों से थीटा कॉमन ले लीजिए, वन प्लस केपी। तो मुझे अब सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँगा, थीटा इज इक्वल टू केपी, ये पूरी की पूरी टर्म इसके डिनोमिनेटर में वन प्लस केपी हो जाएगा। यस और नो? यस। चलो अब मुझे क्या फाइन करना है, थीटा कब, जब के की वैल्यू क्या है वन और पी की वैल्यू क्या है तीन, तो रख दीजिए ना इधर थीटा मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, के की वैल्यू क्या है वन, पी की वैल्यू क्या है थ्री, यहाँ पे वन प्लस वन इंटू थ्री, यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में क्या हो गया थ्री, डिनोमिनेटर में हो जाएगा फोर, थ्री डिवाइडेड बाई फोर करोगे 0.75 आएगा, कितना आएगा 0.75, ये रहा आपका आंसर। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना था और मैंने आपको रट्टा लगाना का भूल गया था, वो सिंपल सी बात है ना, कौन सा, केपी इज इक्वल टू थीटा अपॉन वन माइनस थीटा। और यदि जिन्होंने डायरेक्ट दोनों फॉर्मूले याद रखे हुए थे इसको तो ये सिंप्लीफिकेशन भी नहीं करना पड़ा होगा, केपी का फॉर्मूला जिसको याद होगा वो केपी इज इक्वल टू थीटा अपॉन वन माइनस थीटा, और जिसको थीटा का फॉर्मूला याद होगा उन्होंने भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आप सब लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज H1NMR। यस, ये दो मार्क्स में CMR का क्वेश्चन पूछ लिया था, 13CNMR का क्वेश्चन, या तो CMR बोलो, वहां आपको चार अलग अलग ऑप्शन दिए थे, वहां आपको बताया था कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पिक 218 ppm पे मिलता है। तो मैंने आपको जब CMR पढ़ाया ना तब बताया था कि भैया CMR में से आपको एक पॉइंट तो दिमाग में माइंड में होना ही चाहिए, कौन सा, कि कार्बोनाइल जब आएगा, कार्बोनाइल जब आएगा तब उसका पीक की रेंज इतनी हो जाएगी, उसके पीक की रेंज कितनी होती है कार्बोनाइल में, कार्बोनाइल में एल्डिहाइड भी आ सकता है, कीटोन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। क्लियर? कार्बोनाइल जब होगा तब 13C यानी कि कार्बोनाइल के कार्बन की डेल्टा ppm बहुत ही हाईएस्ट होती है। CMR में कार्बोनाइल के कार्बन की डेल्टा ppm सबसे हाईएस्ट होती है, तो यहाँ कार्बोनाइल किस में आता था वही फाइंड करना था, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि किसके स्ट्रक्चर में कार्बोनाइल आता है। तो कैम्फर था जो, कैम्फर उसके स्ट्रक्चर में कार्बोनाइल आता है वो आपको पता है। क्लियर? और कैम्फर की नेम रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी, हम कैम्फिन से बनाते हैं, कैम्फिन से वो बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखो कार्बोनाइल आया, यस और नो, यहाँ पे कार्बोनाइल है और ये कार्बोनाइल कार्बन की डेल्टा ppm 218 ppm है। तो सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला था, कुछ करने का ज़रूरत नहीं थी आपको, सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्लियर? डेल्टा ppm तो ठीक उन्होंने दे दी हुई थी, आपको कहाँ लिखनी थी। चलो यह सिंपल का क्वेश्चन था कैम्फर, इसका आंसर आता है कैम्फर, तो लिख लेना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, मैंने आपको करवाया था जब हमने OMC में पढ़े थे, OMC में हमने ये क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस किए हुए थे, लेकिन यहाँ पे आपको पहले थोड़ी लॉजिक लगाने वाली बात थी, थोड़ा लॉजिक लगाने वाला था। क्या था कि यदि आप इसके 18 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, 18 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, CP, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ ना, CP दो CP को अलग कर दिया, Fe CO2 टाइम, यदि मान लीजिए CP यानी कि साइक्लोपेंटाडाइन ना, साइक्लोपेंटाडाइन, और आप अच्छे से जानते हैं इसकी हेप्टिसिटी अलग अलग हो सकती है, eta 1 eta 3 eta 5, ये तीनों के तीनों अलग अलग हेप्टिसिटी हो सकती है। अब यदि ये CP दोनों, मान लीजिए दोनों की हेप्टिसिटी eta 5 है, तो 5 + 5 यानी कि ये भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, Fe वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनाइल 2 है 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 8 22। इसका मतलब ये दोनों जो CP है, पाई CP लिगेंड है दिए हुए हैं आपको CP लिगेंड, वो दोनों की हेप्टिसिटी 5 नहीं हो सकती, यदि 5 है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल रहेगा। तो क्या होगा,
तो आप हेप्टिसिटी चेंज कर सकते हैं ना। हाँ भैया, इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसकी एक की हेप्टिसिटी, ये जो एक कॉम्प्लेक्स या आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा उसमें हेप्टिसिटी किस कैसी आएगी, यहाँ पे एफी मेटल रख दीजिए, यहाँ पे एक सीपी लिगेंड ऐसा होगा जिसकी हेप्टिसिटी आएगी क्या आएगी भैया, जिसकी हेप्टिसिटी आएगी 1 और एक की आएगी 5। और हेप्टिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको करवाया था, वो हमने हमारी बुक में लिखा है कि यदि 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको हेप्टिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट आना है। तो सबसे हाईएस्ट एक की रख दीजिए इटा 5, जो बचा सबसे लोवेस्ट आएगा तो इटा 1, ये दोनों को मिला के टोटल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे CO CO। चलो अब H1NMR की बात है, तो एक बात याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ ये सीपी की, ये जिसकी हेप्टिसिटी इटा 5 है ना, इटा 5 है, इसकी लिगेंड की बात करता हूँ। यहाँ पे शो करता हूँ दो टेम्परेचर दिए हुए थे, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैं हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की बात करता हूँ। जब हाई इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन कितने हैं भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जब टेम्परेचर हाई होगा, समझना मेरी बात, जब टेम्परेचर हाई होगा तब ये पांचों के पांचों प्रोटॉन केवल आपको एक ही सिग्नल देंगे, H1NMR का 1 सिग्नल देंगे। कितने देंगे भैया, सिर्फ और सिर्फ H1NMR का एक ही सिग्नल देंगे। कब, जब पांचों के पांचों प्रोटॉन सेम कब आएंगे, हाई टेम्परेचर होगा। मैंने वो सारे के सारे आपको लिखे हुए हैं, आपने बुक में लिखे हुए। टेम्परेचर यदि लो कर दोगे, वेरी टेम्परेचर लो कर दिया यानी कि -80 सेल्सियस कर दिया, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये एक अकेला प्रोटॉन, ये HB, इसको भी HB बोलना पड़ेगा, यदि ये C है तो इसको भी HC, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल सिग्नल कितने मिल जाएंगे, 3 सिग्नल मिल जाएंगे। टोटल सिग्नल कितने हैं, 3, तो यहाँ पे 5H लिख सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी 2J2J1 लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दो प्रोटॉन है तो 2J आ गया, यहाँ पे भी HB इक्विवेलेंट प्रोटॉन दो है तो 2 आ गए, HA कितने प्रोटॉन है, एक ही है, तो 2J2J1 आएगा और यहाँ पे आएगा 5। क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा, 5। तो इसकी एक इंटेंसिटी हो गई 5 और दूसरी इंटेंसिटी है 2J2J1। कब, हायर और लोअर टेम्परेचर, कब, जब पाई इसकी हेप्टिसिटी इटा 5 है तब। अब बात कर लेते हैं हेप्टिसिटी इटा 1 के बारे में। हेप्टिसिटी इटा 1 यानी कि वो सिर्फ एक ही कार्बन से मेटल के साथ जुड़ा होगा। यहाँ पे हेप्टिसिटी इटा 1 कर दीजिएगा। जब यहाँ पे हेप्टिसिटी इटा 1 है तब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। जब टेम्परेचर हाई है तब एक ही सिग्नल देगा, ये भी एक ही सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे भी आपको कितने सिग्नल मिलेंगे भैया, एक ही सिग्नल मिलेगा। टेम्परेचर लो है तो यहाँ पे याद रखना, जब हेप्टिसिटी 1 है, क्या है, हेप्टिसिटी 1 है, इटा 1 है, तब भी ये सभी के सभी प्रोटॉन की आपको क्या मिल जाएगी, कॉमन सिग्नल मिलेगा, 1 सिग्नल ही मिलेगा। जब हेप्टिसिटी 5 है तब अलग अलग सिग्नल मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ जब हेप्टिसिटी 1 है, जिसे आप पेरिसाइक्लिक में पढ़ते हो ना स्क्रैम्बलिंग प्रोटॉन, क्या को कहते हो, स्क्रैम्बलिंग प्रोटॉन कहते हो, तो वैसे ही यहाँ से आप इसको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये जो प्रोटॉन रहेगा वो स्क्रैम्बलिंग प्रोटॉन रहेगा। इन शॉर्ट वहाँ पे आपको जनरल सिग्नल मिलेगा, केवल एक ही सिग्नल, कितने सिग्नल मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जब टेम्परेचर हाई है तब क्या हुआ, तब दोनों में एक ही सिग्नल मिला, तब दोनों में क्या आया, कॉमन सिग्नल, 1-1 सिग्नल ही आया, दोनों का जनरल सिग्नल आया, एक ही सिग्नल आया। लेकिन समझना, ऑप्शन तो आपको अलग अलग दिए हुए थे, 1J1 ने 1 सिग्नल ने 2 सिग्नल 3 सिग्नल 4 सिग्नल अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जब क्या था, जब यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया है, अब यहाँ पे लिख दूँ टेम्परेचर हाई था तब ये वाली रिंग का भी कितना सिग्नल आया, एक सिग्नल, ये पाई सीपी जिसे बोलते हैं उसका भी सिग्नल कितना आया, 1, यानी कि 1 सिग्नल मिला, 1 सिग्नल।
दूसरी बात, जब टेम्परेचर लो कर दिया मैंने, टेम्परेचर मैंने लो कर दिया, तो ये वाली रिंग का कितना सिग्नल मिले, ये यहाँ पे 5 हाइड्रोजन थे उसका एक सिग्नल, प्लस ये जो पाई सीपी रिंग थी उसके कितने सिग्नल मिले, टोटल 3, इसके 3 मिले ना, यहाँ एच ए, ये बी और ये एच सी, कब, जब टेम्परेचर लो था तब, तो यहाँ पे टोटल आपको लिखना पड़ेगा 3, तो 1+3 यानी कि टोटल सिग्नल हो गए 4 टोटल, ये पूरे के पूरे कंपाउंड में जब टेम्परेचर हाई था तब एक ही सिग्नल, ये भी और ये भी जनरल सिग्नल एक दिया, लेकिन जब टेम्परेचर मैंने लो कर दिया यानी कि -80 कर दिया, तब क्या हुआ, तब हुआ क्या, तब 4 सिग्नल मिले, किसके, एक सिग्नल ये वाली रिंग का, 3 सिग्नल यहाँ पे जो 5 प्रोटॉन है उसके 3 अलग अलग सिग्नल मिले, उसमें भी क्या है, यहाँ पे 5 अलग अलग, यहाँ इसके पांचों के जनरल सिग्नल मिले ना, इसके पहले तो इसकी इंटेंसिटी लिख लेते हैं, दोनों में जनरल सिग्नल 5m5, यहाँ पे भी इसकी, यह कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन, यहाँ पे भी 5 प्रोटॉन, तो 5h5h, तो 5 को कॉमन निकाल लिया तो 1h, या तो इसको डायरेक्ट लिखो 1m1, इसकी इंटेंसिटी होगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी 1m1, वो मैंने आपको NMR में पढ़ाया था कि इंटेंसिटी को कॉमन कैसे निकालते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे क्या था, तो कि भैया यहाँ ये वाली रिंग थी, ये वाली रिंग में क्या था, तो कि 5 सिग्नल थे ना, 5 प्रोटॉन थे, कितने थे भैया, 5 प्रोटॉन थे, तो यहाँ पे 5H लिख दो, यहाँ पे 5H, क्योंकि लोअर टेम्परेचर भी इन्होंने पांचों के पांचों सिग्नल को कॉमन दिया, पांचों के पांचों के एक ही सिग्नल दिया ना, तो प्रोटॉन तो 5 है, तो मैंने प्रोटॉन से इंटेंसिटी लिखनी पड़ेगी ना, इंटेंसिटी डायरेक्ट तो नहीं आती, तो यहाँ से प्रोटॉन से 5H, वहां पे तो कि भैया एच ए एक ही अकेला था, यहाँ एच ए क्या था, अकेला, एच बी 2 टाइम, एच सी 2 टाइम, तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि यहाँ, चलो ये पहली रिंग का, दूसरी रिंग में 2 प्रोटॉन, एच ए लिखो, अरे सॉरी एच सी लिखो तो भी चलेगा, 2HB लिखो और 1HC लिखो, इन शॉर्ट यहाँ पे 5m 2m 2m 1, इसकी इंटेंसिटी आ गई 5m 2m 2m 1, तो आपका सही आंसर कुछ ऐसा था, आपको ऑप्शन चेक कर लेना, वन सिग्नल 1m1 एंड यहाँ पे फोर सिग्नल 5m 2m 2m 1, क्लियर। चलो तो ये बात हो गई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की, चलो देखते हैं कुछ और नए क्वेश्चन यदि याद आ जाते हैं, या तो आपको कहीं से, यदि आपको कुछ याद है तो व्हाट्सएप कर देना, या तो मुझे या अजुडिया सर को कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।